नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आप सभी को गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज है गणपति का पहला दिन यानी गणेश चौथ है। और अभी मैं मॉर्निंग का मैं आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग शेयर कर रही थी। लवली प्रियंका के चैनल में आप सभी का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। और अभी मैं बस स्नान करके घर की पूजा करके अभी मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जाएंगे गणपति को लाने के लिए पूजा पंडाल से, जहाँ पे गणपति की मूर्तियाँ बनती हैं। तो इस ब्लॉग के साथ आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आज के ब्लॉग में आपको गणपति का मैं पूरा पूजा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मैं कैसे गणपति सेलिब्रेट करती हूँ ये सब आपको दिखाने वाली हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। तो अभी थोड़ी देर में हम बस 5-10 मिनट में जाएंगे मूर्ति लाने के लिए। पप्पा को अपने घर में लेकर के आएंगे, उनका विराजमान करेंगे, फिर उनका विधिवत पूजा करेंगे, फिर उसके बाद भोग प्रसाद, शाम के टाइम में आरती, फिर भोज वगैरह होगा। तो ये सब कुछ आज के इस स्पेशल ब्लॉग में आपको मिलने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं प्रियंका आप लोगों को सीधे लेकर के चलती हूँ मूर्ति लाने में। तो चलिए इस ब्लॉग के साथ इंजॉय कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से मैंने डेकोरेशन वगैरह कर दिया है। यहीं पे गणपति को मैं विराजमान करूँगी इस जगह पे। और यहाँ पे ये थोड़ा सा सेटअप मैंने रेडी किया है, अभी थोड़ी सी तैयारी बाकी है। ये फल प्रसाद वगैरह सब धो करके रख दिया गया है। और यहाँ पे सारे पूजा के बर्तन वगैरह रख गए। और बाकी की तैयारियों के साथ मैं आप लोगों से आगे मिलती रहती हूँ। चल रहे गणपति लाने, ठीक है पप्पा को। तो जयकारा गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने गणपति को लेकर के घर जा रहे हैं। और आराम से तैरना, मैं अपना वो ले लूँ, मनोबल खोलोगे नहीं देगा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। आगे करो भगवान जी का, घुमाओ अपने आप को। हाँ रख, इसी तरीके में लंबाई ऐसे नहीं। सो फाइनली पापा हमारे घर में आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मैं पूजा वगैरह करूँगी, तो बस यही है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने गणपति डाला है, कुछ इस तरीके का मेरा फुल एंड फाइनल डेकोरेशन है। अभी लाइट वगैरह लगना बाकी है, लाइट सब नीचे लगाया था मैंने सेलो टेप से जो कि गिर चुका है, तो वो बाद में ठीक कर लेंगे हम लोग। और कुछ इस तरीके से मेरे पापा का डेकोरेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे पापा की मूर्ति के सामने एक छोटा गणपति भी रखते हैं क्योंकि इसकी भी पूजा अर्चना की जाती है। साथ में यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी, रोली, कुमकुम, अक्षत, इत्र, और ये इत्र के साथ साथ हिना, और इसमें एक तरफ आपको जल डालना है, दूसरी तरफ आपको गणपति के सीधे हाथ में आप जल डालेंगे यानी कलश की स्थापना करेंगे, और उनके उल्टे हाथ में आपको अखंड दीप डालना है। आप एक दिन की करें, डेढ़ दिन की करें, या जब तक की करें, आप अखंड दीप आपको ज्योत जलाना है। उसके बाद फिर आपको पंचरंग फूल, आप पांच रंग का आपको फल अर्पण करना है जिसमें केला, सेब, आपकी इच्छा अनुसार जो चीज़ें होती हैं। वस्त्र, माला, ये रहा मेरे गणपति का, ये वस्त्र रहा, ये माला रहा। उसके बाद आपको धूप, दीप, जनेऊ, हल्दी, कुमकुम, ये सब लेकर के आपको साथ रख के, तो ये सारा सामान मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है ताकि मुझे पूजा करते समय हर कुछ सही रहे। और इस तरीके का अगर आप करते हो तो आपको पूजा करने में बहुत सहूलियत मिलती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है। अब मैं आपको, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, अब मैं आपको बता दूँ कि ये तो मेरे पापा की पूरी तैयारी वगैरह सब कुछ करके मैं रख चुकी हूँ। सब कुछ आपको मैंने एक छोटा सा बता भी दिया, पूजा करने में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। अब किचन में लेकर के चलती हूँ मैं आपको, और खाने में मैं क्या बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं। और ये छोले की तैयारी चल रही है, साथ साथ मैं कर रही हूँ सब कुछ। आया है यहाँ पे मोदक भी रेडी हो चुका है, ये मैं कल ही बना ली थी, और बस कुछ ऐसा ही है सब। थाली में एक नारियल रह गया था तो ये मैं नारियल रख दे रही हूँ धो करके। इन सबको गंगा जल से मैंने साफ, और सब कुछ हो चुका है, बस अब पूजा की तैयारी करनी है, पूजा करना है फाइनली। और एक पानी वाला नारियल कलश के लिए भी चाहिए था, वो भी रह गया था यहाँ पे। तो सारी चीज़ें याद कर करके मैं रखती चली जा रही हूँ। साथ में जब आप पूजा करते हो तब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। आपको पूजा की जगह के लिए आपको एक साफ़ नया तौलिया रखना चाहिए। जब भी आप कुछ पूजा करें और आपको हाथ साफ़ करना है तो आप उसी पूजा में करें, पहले से इस्तेमाल करके हुए कपड़े में ना करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ और मैं पूरा लुक आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। अब हम चल रहे गणपति की पूजा करने के लिए, तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए और एक बार बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलिए फिर चलते हैं पूजा करने। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज गणपति चौथ के विशेष पूजा अवसर पे मैं प्रियंका आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ, आप भी इस पूजा अर्चना में शामिल होंगे। चलिए हम एक बार गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देख ही लिया कि भी पप्पा की पूजा नहीं हुई है, अब सब तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे धूप का हार, पान का पत्ता, कलश, फूल, माला, अक्षत सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पे तिलक लगाऊंगी, और साथ में जितने लोग आए हुए थे, फ्रेंड्स थे और सब थे, सबको तिलक लगाऊंगी। और तिलक लगाने के बाद हम पप्पा के मुख से उनका मुख अर्पण करेंगे और उनकी पूजा आरम्भ करेंगे। तो चलिए साथ में आप बने रहिए इस ब्लॉग के साथ, लंबा हो नाम करो, उसके बाद फिर आपको हटाना ठीक है लगेगा। ये हटाते जय कारक के साथ है, ठीक है। मोरिया मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया। तो चलिए आप भी दर्शन कीजिए हमारे पापा को, देखिए कैसे लग रहे, कितने प्यारे लग रहे थे। मैं खुद भी बोल रही थी कि मेरे पापा कितने प्यारे लग रहे हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया बट मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैं ये ब्लॉग आप लोगों के साथ सही टाइम पर नहीं डाल सकी, बट उम्मीद करती हूँ अब आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आ। पूजा करती हूँ आज के इस ब्लॉग में आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले पापा की मूर्ति से पर्दा हटाने के बाद हम सब चीज़ को पवित्र करेंगे गंगा जल से। पापा को अच्छे से उनको जल छिड़कने के बाद, आचमन करने के बाद हम उनसे निवेदन करेंगे, उनको हार पहनाएंगे। और हार पहनाने के बाद पहले तो हम उनको सेवा भाव और अपनी एक संकल्प लेना होता है, वो संकल्प लेंगे। और संकल्प लेने के बाद हम उनको हार पहनाएंगे, हार अभिषेक करने के बाद
यहाँ पे मैं हार पहना रही हूँ और हार पहनाने के बाद बप्पा को आप देख सकते हैं, बप्पा हार पहनते कितनी खूबसूरत है। और इस बार मैंने बप्पा को ये आप देख रहे हैं ना दूब वाला हार, क्योंकि बप्पा को दूब से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, तो मैंने ये दूब वाला हार लेकर के आई। उसके बाद मैं कलश पे स्वास्तिक बनाऊंगी, क्योंकि बप्पा की आपको सीधे हाथ में कलश डालना होता है और उनके उल्टे हाथ में आपको अखंड दीप जलाना होता है। और मैं बप्पा को लेकर के आई हूँ 1.5 दिन के लिए, यानी पहले दिन और दूसरे दिन में विसर्जन कर दूंगी। अब बाद बाकी मैं 10 दिन बप्पा की पूजा करूंगी, जो नियम बना हुआ है उसे मैं ज़रूर पूरा करूंगी। और बस कलश में मैं आम के पत्ते की जगह पान का पत्ता रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पति ने 3 आम का पत्ता लेकर के आए थे वो, तो मैंने तुरंत ही पान का जो पत्ता होता 5 था मेरे पास, तो वो हम डाल रहे थे कलश में। और इस तरीके से भगवान को श्रद्धा भक्ति के साथ मैं कलश का स्थापना करूँगी। कलश में 1 कॉइन भी डालते हैं और इसकी कलश के नीचे चावल डाल के इसको कलश को हम बप्पा के सीधे हाथ में डालेंगे। और बस मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है पूजा पाठ करना, लेकिन मैं अपने दिल से सेवा भक्ति भाव से करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस भाव को समझिएगा। और यहाँ पे और भी लोग थे, बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे, तो उन सबको भी मैंने सेवा करने का सबको अवसर मिलना चाहिए। तो सब एक एक करके बप्पा को माला, फूल माला, अक्षत, धूप, भोग, प्रसाद लगा रहे थे। और बस इसी तरीके से ये गणपति चतुर्थी के दिन बप्पा को जनेऊ भी पहनाया जाता है, उनको दूबी का हार पहनाया जाता है, फूल माला फल अर्पण किया जाता है। और यहाँ पे मैं उनको वस्त्र पहना रही हूँ, ये गमछा कहते हैं, और बप्पा को गमछा पहना। उसके बाद कुछ फिर अब पापा को भोग प्रसाद बढ़ाने के, और पापा को मोदक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मोदक है और मैंने घर में भी मोदक बनाया था और पापा के लिए अब व्यंजन वगैरह भी बना है। अब धूप दीप जलाते हैं, पापा की पूरी सेवा भाव से पूजा करेंगे, आरती करेंगे। आरती करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तो चलिए इस ब्लॉग के साथ आप बने रहिए। फिर यहाँ पे मैं पप्पा को इत्र सुगंध और अष्ट सुगंध होता है वो सब लगा रही हूँ। पप्पा के वस्त्र से खुशबू आती है और पप्पा का मन औचित बिल्कुल प्रसन्न हो जाए। और यहाँ पे फिर बारी आती है पंचमेवा और पंच फल अर्पण करने का। ऐसे एक एक करके विधिवत हमने पूजा किया है। और यहाँ पे बाद बाकी जो लोग थे वो हल्दी कुमकुम चढ़ा रहे हैं पप्पा को। और बस दोस्तों मेरे घर में इस बार बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे, बट जितने थे उसे बहुत अच्छे से हमने पूजा की। अब मैं यहाँ पे पप्पा को हल्दी कुमकुम चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे एक कल्चर होता है, सब जगह ऐसा निभाया जाता है कि गणपति के नीचे एक छोटी सी गणपति रखी जाती है और उसी पे हल्दी कुमकुम चढ़ाया जाता है। और जो लोग आते हैं वो हर एक जने पप्पा को फूल पत्र और हल्दी कुमकुम चढ़ा के अपनी विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, और मैंने भी ऐसा ही किया, धूप दीप दिखाया। अब बारी आएगी आरती की, तो चलिए आप बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। मैं प्रियंका आपके आगे मिलती हूँ फिर। सो गाइस, अब यहाँ पे बप्पा की पूजा आरती की, अब मैं आप लोगों को अपनी पूजा आरती में शामिल करने जा रही हूँ, तो चलिए आप भी मेरे साथ बने रहिए। एक दंत दयावंत चार भुजा
एक बार बोलो श्री देवी देवता की जय। अपने माता पिता की जय। अपने गुरुजनों की जय। अपने मित्रजनों की जय। नारायणी नमस्तुते तमेव माता पिता तमेव बंधु दोस्तों। अब सभी लोग ने पूजा हो गई, सब लोगों ने प्रसाद वगैरह भी खा लिया और अब मेरा व्रत है तो मैं शाम को खाऊंगी। काजल थोड़ा सा फैल गया है। चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों मैं आप लोग के साथ कल का भी ब्लॉग शेयर करूंगी। कल की पूजा आरती के बाद ही ये गणपति ब्लॉग एंड होगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ और मैं मिलती हूँ आप लोगों को गणपति के दूसरे दिन की पूजा अर्चना और विसर्जन में। तो आप इस ब्लॉग के साथ बने रहिए। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग बहुत पसंद आएगा और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और गणपति बप्पा मोरिया।